नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। मिथिला विश्वविद्यालय के सबसे बड़े कॉलेज कैंपस जीडी कॉलेज के छात्र संघ ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने का बिगुल फूंक दिया है। बताया जा रहा है कि छात्र संघ के लगातार मांग के बावजूद प्राचार्य कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। छात्र संघ का आरोप है कि विगत कुछ दिनों से प्राचार्य कॉलेज से मुंह भंग कर लगातार गायब है। वहीं उनका कहना है कि कॉलेज में एक भी जगह ना तो पीने के लिए पानी की सुविधा है और ना ही एक भी शौचालय उपयोग में लाने के लायक है। बेगूसराय टुडे चैनल के माध्यम से मैं बेगूसराय वासियों एवं डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को यह बताना चाहता हूं कि नियम के मुताबिक कि विगत 3 वर्षों से छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। नियम के मुताबिक डिग्री कॉलेज छात्र संघ के कोष में कम से कम 31 लाख रुपया होना चाहिए, जिसमें मात्र 15 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया है। बार बार मैं जब यह प्रश्न प्राचार्य से करता हूं तो यह कन्नी कटा लेते हैं। एनएसएस के अकाउंट में अभी इस वर्ष जो नामांकन हुआ है उसके मुताबिक एनएसएस के अकाउंट में 2 लाख रुपये होने चाहिए थे, जिसमें 15,000 रुपया एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर को दिया गया कार्यक्रम करने के लिए, बाकी 1,85,000 रुपये का कोई हिसाब नहीं है। और जब एनएसएस के बच्चों के लिए टी शर्ट की खरीदारी की गई तो उन्हें प्राचार्य रुपया देने से कतरा रहे हैं और अकाउंटेंट का साफ साफ बयान है कि एनएसएस के खाते में एक भी पैसा नहीं है। इसलिए मेरे पास अभी पासबुक भी है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। मैं प्राचार्य पर अनियमितता का आरोप लगा रहा हूँ कि आखिर इतने बड़े स्तर पर पैसे का घालमेल क्यों किया जा रहा है, और आए दिन यहाँ पर भवन निर्माण में भी इस प्रकार के पैसे की घपलेबाजी की जा रही है और यह एक साजिश के तहत जानबूझकर किया जा रहा है। पुरुषोत्तम कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष।